अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबकी होस्ट मिशेल व्लॉग्स, उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आज चलते हैं आज अपनी रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं एग एंड वेजिटेबल पराठा, जिसके लिए मैदा और ये कैरेट मैंने ब्रिक चॉप कर लिया है, शिमला मिर्च और ये मीडियम एक प्याज, एक मीडियम टमाटर और दो अदद अंडे, और ये एक पानी का जग है, जितना हमें चाहिए होगा हम ले लेंगे। ये 500 ग्राम तकरीबन मैदा है, इसके अंदर मैंने सारी जो वेजिटेबल्स है एग्स इसमें ऐड कर लिए। और ऐड करने के बाद अब हमें कुटी लाल मिर्च है वो जो चाय के दो चम्मच इसमें मैं डालूंगी। 500 ग्राम मेरा मैदा है और सब्जियां थी वेजिटेबल्स, और हसबे ज़रूरत नमक आप अपने हिसाब से इसमें डाल लीजिएगा। जी, और इसमें पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेंगे, और इसका पेस्ट थोड़ा लिक्विड में आएगा तो हम इसमें पानी डालते जाएंगे और इसे सारे को मिक्स करते जाएंगे। और ये हमारा थोड़ा लिक्विड में बनेगा, उससे हमारी ये देखिए इस तरह का हमारा ये बन जाएगा लिक्विड, और इससे हमारी रोटी भी थोड़ी पतली और नरम सी और अच्छी सी मज़े की बनेगी। हाँ जी जी, हमारा सारे रेडी हो चुका है, अब हम चलते हैं इसे पकाने की तरफ। और ये मैंने तवे जो मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है उसके ऊपर मैंने थोड़ा घी या मक्खन जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें आप डाल सकते हैं, मैं घी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये इसे अच्छी तरह से फैलाते जाएंगे, इसे पतला पतला से डाल देंगे और फैलाते जाएंगे। और ये जब अच्छी तरह से एक साइड से पक जाएगा तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी हमारी मतलब कि रोटी जो हमारा पराठा है बड़े मज़े का। ये देखिए इसकी लुकिंग भी कितनी प्यारी लग रही है मज़े का। ये देखिए एक तरफ से ये अच्छी तरह से पक गया है, तो अब हम इसे पलट देंगे। ये देखिए जी, और इस पे भी हम अब घी डाल देंगे। घी डालने के बाद इसे भी इस तरफ से भी अच्छी तरह ज़रा पका लेंगे। और मज़ेदार सा पराठा हमारा देखने में भी बड़ा मज़े का लग रहा है, और डिफरेंट कलर है इसमें, ये देखिए कितना अच्छा और मज़े का लग रहा है। जी, हमारा पराठा बिल्कुल रेडी आप देख सकते हैं। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और ये आप चेक भी कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म था इसलिए मेरा हाथ थोड़ा जल गया तो आप मतलब चेक भी कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा नरम और स्मूथ पराठा ये आप। हाँ जी, ये देखिए ज़रा आपको अंदाज़ा हो रहा होगा इसके टूटने से ही ना, पराठा बहुत ज़्यादा गर्म था तो क्योंकि अभी उतारा ना तवे से तो वो बहुत ज़्यादा गर्म था। चलें जी, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकॉन प्रेस प्लीज़। थैंक यू।